उन्होंने मंदिर को तैयार कैसे किया, वो क्या करते थे? पहले पत्थर को जमीन पे रख देते, जैसे कि ये रख दिया, अब तो दूसरा पत्थर चढ़ाना ये तो मुश्किल हो गया। ओके चलिए भाई, पेट्रोल भी हमने जनाब डाल दिया है, अब हम चलते हैं आगे मंजिल की ओर। इस वक्त हम पहुंच गए हैं केपी रोड पे, ये अपना केपी रोड खनाबल टू पहलगाम। ये जो रास्ता है हाईग्राउंड की ओर जाता है, ठीक है। हाईग्राउंड एक जगह है जहां से डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग का कुछ हिस्सा हमें दिखता है, वहां का जो नजारा है वो काफी खूबसूरत है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो सामने आपको गेट दिख रहा है, ये है सुरपेंग जंगल जो हमने कुछ वक्त पहले एक्सप्लोर किया था। ये वहाँ का एक गेट है, वहाँ का रास्ता है, ये है वो जंगल। ये देखिए आप, कितना डरावना सीन लगता है। आर्मी का जो कैंप लगा है वो ये पूरा उन्होंने कवर किया है, और नज़ारा देखिए आप, माशाल्लाह क्या बात है भाई साहब, ओए होए होए होए, क्या मजेदार नजारा है। अभी मैं बहुत एंजॉय कर रहा हूँ राइड को। स्पीड बिल्कुल हमेशा कम रखनी चाहिए, मैं लास्ट वीडियो में भी मैंने बोला, क्योंकि तेज़ चलने का कोई फ़ायदा है नहीं, बल्कि खतरा रहता है तेज़ चलने से, इंसान को जान का खतरा रहता है। तो फ़ायदा क्या है ऐसी हरकत करना जिससे हमारी जान खतरे में आ जाए। तो आपसे गुजारिश है हमेशा धीरे चले। वैसे हमने रामपुरा जो है वो क्रॉस कर दिया है, और अब हम आगे जहाँ चल रहे हैं, ये कौन सी जगह है जनाब? आई डोंट नो ये कौन सी जगह है, मेरे को नाम नहीं पता है, मगर जो ये है ना, हाँ जी, यहाँ पे ज्यादा वो होते हैं, क्या होते हैं, सिख होते हैं ना, ये देख सकते हैं आप, ये गुरुद्वारा है। अरे वाह क्या बात है, यहाँ से चलिए चलते हैं हम इस रोड से और देखते हैं आगे का सीन। फिलहाल यहाँ काफी ज्यादा ये गली, अरे भाई साहब ये गली मुझे नहीं पता है, लेकिन इसे बड़े रास्ते पता है। ये देखो प्यारे प्यारे बच्चे साइकिलिंग कर रहे हैं। फाइनली अब हम पहुंच गए हैं यहाँ पे, और काफ़ी सारे टूरिस्ट देखने को मिल रहे हैं हमें। अभी हम अंदर जाएंगे, अंदर एक्सप्लोर करेंगे, देखते हैं कैसा मज़ा आएगा। तो चलिए, क्या बात है जनाब, क्या बात है, सन टेम्पल के नाम से ये जाना जाता है। आज तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो बिगड़ गया है, लेकिन आप सोचिए कई साल पहले ये कितना खूबसूरत दिखता होगा जब ये पूरा कंप्लीट होता। क्या बात है, ये देखिए यहाँ से हम आए। एज गाइड हमें ये बताएंगे इस टेंपल के बारे में, और आज हम जानेंगे क्या क्या चीजें हैं यहाँ पे और कब से है ये, वो सब हमें ये बताएंगे। तो करते हैं इसको शुरू। इस जगह का नाम है मॉडर्न सेंटर, सूर्य मंदिर इसको कहा जाता है। भारत में ये तीन प्राचीन मंदिर, एक है ये मॉडर्न सेंटर जो कश्मीर, दूसरा है कुनार उड़ीसा, तीसरा है मुंडेरा गुजरात में। 1400 साल पुराना मंदिर है, 8th century को इसको बनवाया गया। इस मंदिर को तीन राजाओं ने मिलकर बनाया। पहला राजा था महाराजा राणा द्वितीय, उसने मंदिर की फाउंडेशन डाली। उसके बाद आए महाराजा विक्रम ललिता द्वितीय मुक्तखेड़, उसने मेन टेम्पल को बनाया। उस टाइम के बाद आए महाराजा रामदेव, उसने नीचे वाला स्तंभ बनवाया था मंदिर का, वो दिखाएंगे, जिसमें 365 छोटी छोटी मूर्तियां हैं, जिसमें हर रोज एक एक मूर्ति की पूजा की जाती थी। जो ये वॉल है ये 2 हिस्सों में बनवाया गया था, बैक साइड के हिस्सा महाराजा विक्रम ललिता द्वितीय मुक्तखेड़ ने बनवाया था, जो आगे वाला हिस्सा जिसपे पिलर्स खड़े उसको महाराजा रामदेव जी ने बनवाया था। इसकी लंबाई 220 फीट दी गई थी, इसकी विड्थ 142 दी गई थी। जो ये पूरा वॉल है स्क्वायर में, इसमें 84 छोटे छोटे स्मॉल टेम्पल्स थे। सुबह सूर्य चढ़ने से लेकर शाम के डूबने तक सेटअप बाई सेटअप इसमें लाइट आती थी। वो कोई भी मंदिर ऐसा न रहता था जिसमें लाइट ना आती हो। ये सन डायल क्लॉक का काम करता, क्योंकि उस टाइम कोई क्लॉक था नहीं, उनको समय का पता ऐसे ही चलता था। जब एक मंदिर से दूसरे, दूसरे से तीसरे मंदिर में लाइट चली जाती थी, उनको समय का पता चलता था। जो ये मेन टेम्पल है, मेन टेम्पल के राइट और लेफ्ट में 2 टेम्पल हुआ करते थे। जो लेफ्ट वाला ये गणेशा का था, और राइट वाला अमृतेश्वरा का था। एक तो साउथ की ओर झुका हुआ, दूसरा नॉर्थ की ओर झुका हुआ।
होगा, ये पहले से ही झुके हुए। यहाँ पर कोई भी चूनागारा इस्तेमाल नहीं किया गया, इंटरलॉक सिस्टम का यूज किया गया था उसको। मैंने महाराजा विक्रम ललितादित्य मुक्ता पेड़ बोला, उसने ये डेडिकेट किया था सन को, क्योंकि यहाँ पर तो सन की पूजा की जाती थी। उसने और चार मंदिर बनवाए थे, परिहासपोरा कॉटन में, डिस्ट्रिक्ट बारामुल्ला में, श्रीनगर से 30 किलोमीटर अवे जहाँ से गुलमर्ग जाते हैं, वहाँ पर जो उसका महल था, नाम था बुद्धा स्तूपा। उस एरिया का नाम, उसे कहा जाता है सिटी ऑफ स्टोन्स या पत्थरों का शहर भी कहा जाता है। वहाँ पर जो मूर्तियाँ बनाई गई थी, सोना और चांदी का इस्तेमाल किया गया था। वहाँ पर कश्मीर की पहली राजधानी रही थी उस टाइम परिहासपोरा, परिहासपोरा के अवंतीपोरा, अवंतीपोरा के अंदर समर कैपिटल श्रीनगर को रख दिया गया। महाराजा विक्रम ललितादित्य मुक्तापीठ ने 36 ईयर हुकूमत की पूरे नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट सब इंडिया में। कुछ सब कंटेनर जैसे नेपाल, अफगानिस्तान, वो एक पावरफुल एम्पायर रहे अपने दौर में, उसकी जो हिस्ट्री वो हिडन रखी गई थी। वहाँ पर आगे फ्रंट में यह है जलकुंड। जब सूरज ग्रहण होता था, सूरज ग्रहण होने के बाद यज्ञ किया जाता है, पूजा की, जिसमें आरई पानी हुआ करता था। हम काम करते हैं, हम ये जगह चलते भी हैं ताकि लोग देख भी पाए, ठीक है। तो अब हम आपको वो जगहें दिखाएंगे जो इन्होंने कही, कहा क्या होता था, शायद वैसे आप अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, इंटरलॉक सिस्टम वो क्या करते थे, इंटरलॉक सिस्टम देखिए आप, जो नीचे वाले पत्थर में होल बनाते थे और जो ऊपर वाला हिस्सा था, यहाँ पर फ्रंट पे आ जाइए, फ्रंट पे आ जाइए, आ जाइए। अच्छा, नीचे वाले पत्थर में होल बनाते थे, ऊपर वाले में ये टंग बनाते थे, ये टंग इस होल में फंसा के ये इंटरलॉक का काम करता था। क्या क्रिएटिविटी थी। यह सब जलकुंड, यह जलकुंड जब सूरज ग्रहण होता था, सूरज ग्रहण होने के बाद यज्ञ किया जाता, पूजा की जाती, इसमें ऑलरेडी पानी हुआ था, पानी में दूध के सब कुछ मिलाकर उसी पानी से पूरे मंदिर को पवित्र किया जाता। पानी आता था पहलगाम से, पहलगाम से एक छोटी सी कैनाल बनी जो पहाड़ी के दामन से होते हुए बैक साइड तक आती है। वो जो कैनाल है वो एक बड़ी कैनाल है, मॉडर्न कैनाल से, मॉडर्न के नाम से फेमस है, जो पूरे कश्मीर में फेमस है। दो साइड से पानी आता था इन वाटर चैनल के जरिए इस बड़े वाले कुंड, एक तो बैक साइड से, एक तो लेफ्ट साइड के पीछे से, ये पानी इन वाटर चैनल के जरिए बड़े वाले कुंड में पानी आता था, ऊपर होके बैक साइड से पीछे चला जाता था, यहाँ से फिर वापस चला जाता था जब ओवर फ्लो होता। यहाँ पर हैदर मूवी की शूटिंग हुई थी, जिसमें विंस मिलगाना 2014 में फिल्माई गई थी, वो यहाँ पर फिल्माई गई थी। और थी यहाँ से और थी आंधी की शूटिंग 1975 में जो फिल्माई गई थी, और रही है लेफ्ट साइड से जो छोटे छोटे मंदिर है यहाँ पर फिल्माई गई थी। और थी मन की यहाँ से धर्मिंदर और वहीदा रहमान थी, वो राइट साइड में फिल्माई गई थी। मतलब काफी सारी मूवीज यहाँ शूट हो चुकी हैं, हमें तो अभी तक पता थी सिर्फ हैदर हुई है। बहरहाल अब आपने ये भी बता दिया हमसे, मतलब कई सारी धर्मिंदर के जमाने की मूवीज भी यहाँ हुई। तो मैंने 365 मूर्तियां बोली जो आइडेंटिफाई, उनमें से मूर्ति वो 365 छोटी छोटी, ये है पूरे राउंड में 365। ये है सरस्वती की मूर्ति, ये वाली ये आइडेंटिफाई, ये है सरस्वती की मूर्ति जिसके हाथ में अभी भी पूरा मतलब नक्शा बना के माशाल्लाह काफी खूबसूरत आर्किटेक्ट थे तब के जमाने में। जो सेटअप है, सेटअप लाइट मैंने बोली थी समय का पता, वो इनमें से आती समय का पता चलता था। जो मैंने पहला महाराजा बोला, मैं एक बात समझ नहीं पाया, आपने कहा ये समय का पता चल जाता था, ये कैसे होता? उन्होंने अपने हिसाब से 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट रखा होगा। मतलब ये अगर जब एक मंदिर से लाइट आती थी, जब दूसरे मंदिर में लाइट चली जाती थी, अपने हिसाब से रखा होगा, अपने हिसाब से उन्होंने रखा होगा। समझ गए जनाब। जो महाराजा रहना देते, उसने जो फाउंडेशन डाली थी वो यहाँ थी, इसके नीचे थी, जो फाउंडेशन इसके नीचे थी। फिर आए उसके बाद महाराजा विक्रम ललितादित्य मुक्ता पेड़, उसने मंदिर को यहाँ से ऊपर बनाया था। फिर आए उसके बाद महाराजा रामदेव, उसने ये वाला स्टेप बनवाया था जिसमें 365 छोटी मूर्तियां मूर्तियां है। ये देखिए, ये लाइन जो आपको दिख रही है, ये 365 पूरे राउंड करके ये देखिए, ये तो अभी पूरे को आप बना के, अभी तो इसका जो अभी भी इसका, इसको कितने साल हो गए अभी तक, ये 1400 साल पहले का है ये, और अभी भी ये मतलब बराबर सेम कंडीशन में है। मतलब जो मूर्तियां बराबर दिख रही हैं, बस थोड़ा सा चेंज आ गई है वक्त के साथ साथ आ जाती है चेंज। बहरहाल काफ़ी मतलब कारगर आर्किटेक्ट थे तब के ज़माने में जिन्होंने ये बनाया है, और बराबर बनाया है, सब अच्छे से दिखाई दे रहा है हमें। तो चलते हैं आगे, देखते हैं आगे हमें क्या देखने को मिलेगा। जब मंदिर की सर्वे की गई, ये 18 फीट नीचे भी निकला ये मंदिर, 18 फुट नीचे भी है। जो मैंने दो नेम और बोले जिसपे जस्टिस का काम, वो एक ये राइट में, एक लेफ्ट में, इसपे जस्टिस का काम होता था। यहाँ पर शारदा लिपि या शारदा स्क्रिप्ट कहा जाता है, जो संस्कृत कश्मीरी भाषा लिखी गई। ये देखिए जनाब, ये जो है ये एक लैंग्वेज है शारदा जिसे कहते हैं। अभी तो ये खराब हो गया है, इस पे कुछ ये लिखा गया था तब के टाइम पे, और इस पे जस्टिस होता था।
कि इंसाफ यहाँ पे हमें मिलता था, मतलब यहाँ पे दिया जाता था लोगों का इंसाफ, क्योंकि तब कोर्ट कचहरी नहीं थे। यहाँ पर शिवलिंग की और एक बेस, शिवलिंग की और एक बेस जो वो हाथी का सूंड बनाया गया राइट साइड में कोने में, ये निशानी दी गई थी जो भी यहाँ पर पत्थर लाए गए थे हाथियों के जरिए ही लाए गए थे, लोकल पहाड़ी से लाए गए, क्योंकि ये पूरे पीर पंचाल से मिलती है और यहाँ पर इसकी कार्विंग की गई। जो ये न्यू कंस्ट्रक्ट है ये श्रीनगर से रॉक लाए गए थे, 2 साल या 4 साल या 5 साल पुराना है। यहाँ पर जो मूर्तियाँ आइडेंटिफाइड उनमें से शंकर भगवान की मूर्ति है और एक जिसके हाथ में फूल है, राइट साइड में पार्वती जी, ऊपर वाला जो हिस्सा था वो खंडित हुआ था। ये इसी से के बारे में जो मैंने छठी शान वाला स्टेप बोला था उनमें से जो आइडेंटिफाई मूर्ति हो रही है उनमें से एक है सनगॉड की मूर्ति जिसकी यहाँ पूजा की जाती थी। राइट और लेफ्ट में 2 रक्षक घोड़े पे विराजमान, एक्चुअली जो सनगॉड होता है वो 7 घोड़ों पर विराजमान होता है। यहाँ पर ये बीच में विष्णु भगवान की मूर्ति है, सनगॉड, और यह कुबेर की मूर्ति, कुबेर जो निशानी दी गई इसकी, जो पेड़ वहाँ है इसका और हाथ में ईगल का बर्ड है। यहाँ पर जो कोने में 375 मैंने जो बोला था मूर्ति, उनमें से एक ये है हनुमान की मूर्ति, ये और ये पीछे दो राधा और किशन जी की मूर्ति, ये राधा और ये है किशन जी की मूर्ति जिसके हाथ में बांसुरी। अच्छा ये कृष्ण, ये बांसुरी क्या बात है। अभी हम आ गए इसके फ्रंट साइड से, इस टेम्पल के यहाँ से आ जाओ, ये है फ्रंट साइड इस टेम्पल का, और अब हम ऊपर भी जाएंगे आपको दिखाएंगे। फिलहाल यहाँ से हम जानेंगे इन्होंने मंदिर को तैयार कैसे किया, वो क्या करते थे, पहले पत्थर को जमीन पे रखते थे जैसे कि ये रख दिया, अब तो दूसरा पत्थर चढ़ाना है तो मुश्किल होता है। जो है ये न्यू कंस्ट्रक्ट, पहले न्यू कंस्ट्रक्ट पहले पत्थर को पूरा मिट्टी से ढकते थे, स्मोक की शेप देते थे, दूसरा पत्थर रोल करके इसके ऊपर चढ़ाते थे, दूसरे पत्थर तक पूरा मिट्टी को ढकते थे, स्मोक की शेप देते थे, तीसरा पत्थर रोल करके इसके ऊपर चढ़, ऐसे करते करते 32 ईयर्स इस मंदिर को बनवाने में और मिट्टी को हटवाने में लगे। जहाँ पर राइट और लेफ्ट में ये दो विष्णु भगवान की मूर्तियाँ, और यहाँ से दो विष्णु भगवान की मूर्तियाँ, जो मैंने दो मंदिर बोले थे गणेश अमृतेश्वरा का, उसकी जो एंट्रेंस थी वो राइट और लेफ्ट से होती थी। यहाँ पर एक लकड़ी का डोर लगा हुआ था, जो ये होल बनाए गए ऊपर दो नीचे दो, ये पत्थर को काट के ऊपर दो होल बनाए गए, ये वाले होल बनाए गए ऊपर दो और नीचे दो, ये इंटरलॉक का काम करता था। मैंने पहले ही बोला ये मंदिर पूरे इंटरलॉक पे डिपेंडेड था। जो यहाँ पर लेफ्ट साइड में गंगा जी की मूर्ति बनी हुई जिसका ये वाहन बना हुआ है, क्रोकोडाइल का वाहन बना हुआ है, और ये राइट साइड में वाहन मतलब वाहन बना जिसका जो ये है इसकी सवारी, अच्छा सवारी इसकी सवारी क्रोकोडाइल से होती है, हिंदी में इसको वाहन बोलते हैं, और ये है यमुना जी की मूर्ति जिसका वाहन बना हुआ टॉर्टाइल कछुआ इसका वाहन बना हुआ, ये कछुआ बना हुआ कछुए पे सवारी है, ये गर्भ के जहाँ पर पूजा की जाती थी। इसका जो रूफ टॉप था ट्रायंगल शेप का बना हुआ था, पायरामिड शेप का, कुछ यंत्र लगा था उस पे, डायमंड का था, शीशे का था, जब सुबह सूरज चढ़ता था सूरज की पहली किरण उस यंत्र पे आती थी और उस यंत्र से फिर रिफ्लेक्ट होके यहाँ पर उस टाइम सन गॉड की मूर्ति हुआ करती थी। जब उसकी लाइट आती थी उसी टाइम से पूजा पाठ स्टार्ट होता था। ये कार्यक्रम दिन भर चलता रहता था, शाम के टाइम जब सूरज डूबता था ऐसा लगता था इसी गर्भगृह से सूरज डूब गए। यहाँ पर कोई कार्विंग नहीं की गई, कोई मूर्ति नहीं बनाई गई, जो भी बनाई गई थी बाहर इसलिए बनाई गई थी क्योंकि यहाँ पर सनगॉड की मूर्ति हुआ करती थी। लाइटिंग के लिए उन्होंने 4 होल बनाए थे, वो देखो सर बड़े बड़े होल ईस्ट वेस्ट एंड नॉर्थ एंड साउथ में बनाए गए थे, ये लाइटिंग का काम करते थे। यहाँ पर भी एक लकड़ी का डोर लगा हुआ था जो वो आयरन के 2 रॉड है, अंग्रेजों ने अपने जमाने में इसको बचाने के लिए रखे थे। ये जो आयरन के रॉड है तभी होते थे, ये अंग्रेजों के जमाने के, कश्मीर का जो क्लाइमेट है वो तो आपको पता ही है, डे बाय डे चेंज होता जाता है, कश्मीरी में हम उसको बोलते हैं चिलई कलान, 21st December से पूरा जनवरी में चलता है, उस टाइम जो टेम्परेचर वो माइनस में चला जाता है, 3, 4, 5, 6, 7 तक भी चला जाता है, जो उस टाइम बर्फ गिरती है 2 फीट 3 फीट 4 फीट वो पूरे मार्च तक रहती है। मार्च के टाइम में जब धूप स्टार्ट होती है ये पिघलना स्टार्ट होता है क्योंकि ये आइस वाटर होता है, जो इसमें दरारें पड़े ये जब इसमें पानी चला जाता है ये उखड़ना स्टार्ट होता है क्योंकि ये कमजोर रॉक बने हुए है। दूसरा कारण है भूकंप की वजह से, तीसरा कारण सुल्तान शाहमीरी जो अफगानिस्तान से होके आया उसका भी हाथ रहा इसको डिस्ट्रॉय करने में। ये फिर से कंस्ट्रक्शन रिनोवेट हो रहा है, इसकी जो देख रेख रिनोवेट होगा पूरा हो जाएगा, इसकी देख रेख जो है वो आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया कर रही है। तो खुशकिस्मती है कि ये नए से अब रिनोवेट हो रहा है, और जिस दिन ये रिनोवेट हो जाएगा उस दिन इंशाल्लाह हम आएंगे, और उस दिन हम
देखेंगे एक बार फिर से इस टेम्पल को और आपको भी दिखाएंगे कैसा तब दिखेगा ये। अभी हम यहाँ आए, काफ़ी खूबसूरत लगा हमें, माशाल्लाह बहुत मज़ा आ रहा है। अब चलते हैं आगे, तो थैंक यू। बहुत बहुत खूबसूरत टेम्पल है ये और आपको भी यहाँ पे एक्सप्लोर करना चाहिए। बहरहाल अब हम जा रहे हैं घर की ओर वापस। काफ़ी अच्छा लगा यहाँ आके, और इनफैक्ट आपको मैं बता दूँ कुछ पार्क बनाई है यहाँ पे बैठने के लिए। ये देखिए आप, माशाल्लाह कितना खूबसूरत है। और यहाँ से भी इसकी थोड़ी सी जगह बनाई है बैठने के लिए। ये कुछ जगह है मतलब बैठने के लिए, लोगों के लिए बनाई गई है, शायद तब के टाइम पे भी होगी, अभी का मुझे नहीं पता। और ये जो है ये तब के ही वक्त का है, लेकिन इसको फिर रेनोवेट कर दिया गया, ये नए से इंटे लगाई। बहरहाल ये देखिए, ये रास्ता भी वहीं की ओर जाता है। और ये था कुछ यहाँ का नज़ारा। तो अभी करते हैं काम, अब हम यहाँ से निकलते हैं। काफ़ी मज़ा आया हमें यहाँ आते हुए, और अपना ये भाई भी साथ में ही है। तो करते हैं काम, यहाँ से चलते हैं और देखते हैं आगे क्या समझ आएगा। तो चलिए जनाब। ओके, तो जनाब जो ये टेंपल था, इसका असली जो मेन रोड है वो ये वाला है। हम तो आए थे अंदर गांव से, और ये जो है ये इसका मेन रोड है। मैं आपको बता दूं, अभी हम यहाँ से घर की ओर जा रहे हैं, लेकिन मसला ये हो गया कि बारिश स्टार्ट हो गई। अभी देखते हैं क्या रहेगा आगे का सीन। बारिश से बचना पड़ेगा हमें, और वो बचने के लिए क्या करें, हमें कहीं रश करना पड़ेगा। अगर ज़्यादा तेज़ बारिश हुई कहीं पे रुकना पड़ेगा ज़रूरी, अगर बारिश तेज़ हो गई। बहरहाल ये देखिए आप जो यहाँ का रोड है, कितना कर्व रोड है और कितना खूबसूरत लग रहा है। काफ़ी मज़ा आया टेंपल में, है ना? बहुत ज़्यादा मज़ा आया।